मैं आप लोगों से पूछता था चाहता हूं कि बिल्किस परिवार के साथ जो हुआ, क्या ये रेयरेस्टों की रेयरेस्ट तरीके का अत्याचार नहीं था? अगर ये था तो फिर गुजरात की सरकार ने क्यों छोड़ा? और यहां मैं समझता हूं कि एक अहम सवाल शुरुआत होता है कि जिस पर हम लोग को गौर करना जरूरी है, और ये अहम सवाल आज का नहीं है, ये कई सदियों से चल के आ रहा है, सदियों से चल के आ रहा है। और हर वक्त कहीं ना कहीं तो भी हमको इस पूरी इतिहास में चारों से लेके बाबा साहब अंबेडकर तक इस व्यवस्था के अंदर लड़ाई दिखाई देती है। जो व्यवस्था की लड़ाई है, हम लोग जब अपनी हिफाजत की बात करते हैं तो हिफाजत किस में है? सिस्टम में, व्यवस्था में। यही व्यवस्था शांतिपूर्वक रही तो व्यवस्था शांतिपूर्वक रहती है, यही व्यवस्था अगर हिंसक रही तो ये अत्याचार दिखाई देता है कि जिसका सिस्टर जी ने यहां पर आपके सामने आलेख रखा था। तो हम क्या चाहते? शांतिपूर्वक व्यवस्था चाहती है या हिंसाचार व्यवस्था चाहती है? यह लड़ाई शुरुआत है, और इसीलिए उसी को लेके इस माहौल में एक चर्चा शुरुआत है कि संविधान बदलने की चर्चा शुरू। ये जो संगठन है जो अपने आप को कहते हैं कि हम सिर्फ सोशल आंदोलन चला रहे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपका ये सोशल आंदोलन, जो व्यवस्था बदलने की बात हो रही है, इसमें पूरक है या हानिकारक है? इसको आप देखें, अगर आपका आंदोलन पूरक है तो चलना चाहिए। एक अगर आपका आंदोलन हानिकारक है, नुकसानदायक है, तो आपको सोचना चाहिए कि मुझे क्या रास्ता अपनाना चाहिए। तीसरी बात, ये जो बदलाव की राजनीति, बदलाव की जो बात चल रही है, इस बदलाव की बात में मैं अपना वजूद बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा? क्योंकि जब तक हम लोग वजूद नहीं बनाते तब तक हमारी पहचान नहीं होती, आपको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता। आज हम यहां पर 400 के आसपास बैठे हुए, इतनी सी रिकॉग्नाइजेशन हमको मिली, लेकिन इस बदलावपन का कैपिटल क्या है? कोई कहता पैसा ये कैपिटल है, कोई कहता संगठन ही कैपिटल है, लेकिन मैं जब बाबा साहब की ओर देखता हूं तब उनके पास ना संगठन था ना पैसा था। दोनों चीजों से बड़ी थी, लेकिन उनके पास एक सबसे बड़ी बात, वो जहां कहीं भी जाते थे, भारत के किसी भी कोने में चले जाते,
तो उनके पीछे लाखों की भीड़ खड़ी हुई। और ये लाखों की भीड़ जो है उनका कैपिटल था। और ये लाखों की जो भीड़ है वो अत्याचारियों से बातचीत करती थी। आज मैं समझता हूं कि दोबारा इस अत्याचारी व्यवस्था को हम लोग को खत्म करना और शांतिपूर्वक व्यवस्था को लाना है तो यही जो बाबा साहब का कैपिटल था, भीड़ का जो कैपिटल है, इस भीड़ के कैपिटल को दोबारा हमको पैदा करना होगा।